चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर हो जाए पहले स्थान पर है। राजस्थान का हरी किसे कहते हैं? चार ऑप्शन आपके सामने, बिल्कुल आप में कमेंट के रूप में आंसर दे सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा अजमेर। अगला प्रश्न है हमारा 3 नंबर, राजस्थान का कौन सा जिला है जिसकी सीमा पाकिस्तान और गुजरात के साथ में लगती है? तो आप देख सकते हैं इसका जो सही आंसर हो जाए दोस्तों बाड़मेर। सही आंसर हो जाएगा बाड़मेर। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी का अंग है? अलवर, भरतपुर, हनुमानगढ़, जयपुर। तो इसका जो सही आंसर हो जाए दोस्तों अलवर और भरतपुर दोनों ही, ध्यान रखना आपको अलवर और भरतपुर दोनों में, भरतपुर भी है अलवर भी है, लेकिन मुख्य रूप से आपको क्या ध्यान रखना, अगर एक ऑप्शन है तो आपको क्या करना, अलवर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी। और राजस्थान में पूछे तो बनास हो जाएगी, राजस्थान में पूछे तो बनास हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न, पुष्कर झील की सफाई कार्य किस देश के सहयोग से चल रहा है? तो सर सही आंसर है दोस्तों कनाडा के सहयोग से चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत जैसे परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं। चलिए, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? राणा प्रताप सागर बांध कहाँ बना हुआ, सॉरी नदी पूछे तो नदी भी बतानी आपको। चलिए, इसका जो सही आंसर है 7 नंबर, राजबाटा चित्तौड़गढ़ के बना और चंबल नदी के ऊपर बना, किस नदी पर बना है? चंबल नदी पर बना हुआ। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना पूछ रहे दोस्तों। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा भाखड़ा नागर परियोजना। भाखड़ा नागर परियोजना राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, 17.22 इसका हिस्सा है, 2 पॉइंट राजस्थान का है। चंबल नदी के ऊपर राजस्थान का 50-50% है और जो माही नदी है वो 45-55 है, 45 राजस्थान का, 55 गुजरात का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं, राज्य के किस जिले में सर्वाधिक गाय है, गोवंश की संख्या सबसे ज्यादा है? अजमेर, जयपुर, उदयपुर, अलवर। चलिए, इसका भी आंसर कमेंट के रूप में दे दीजिए। चलिए, इसका जो सही आंसर है दोस्तों उदयपुर के अंदर, भैंस पूछे तो भैंस सबसे ज्यादा खाए अलवर के अंदर, भैंस सबसे ज्यादा खाए अलवर के अंदर है। चलिए नेक्स्ट, केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये जयपुर के अंदर, कहा, दुर्गापुरा जयपुर के अंदर है। 11 नंबर प्रश्न देखिए और इसका आंसर कमेंट के रूप में फटाक से दे दीजिए, रामसागर वन विहार कहाँ स्थित है? 11 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों धौलपुर। सही आंसर क्या धौलपुर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, 12 नंबर प्रश्न, रेशम के कीट किस वृक्ष में पाले जाते हैं? 12 नंबर प्रश्न, तो इसका सही आंसर है सेतु। सही आंसर क्या सेतु, जो सेतु होता पेड़ उसके अंदर रेशम के कीट पाले, जो रेशम प्राप्त करते हैं उसी कीटों की क्या होती है, पाले जाते हैं। चलिए 13 नंबर प्रश्न, बाढ़ का सर्वश्रेष्ठ संगमरमर कहाँ मिलता है? मकराना, उदयपुर, सिरोही, जालौर। चलिए दे दीजिए कमेंट के रूप में आंसर, तो सर सही आंसर हो जाएगा मकराना, नागौर के अंदर का है नागौर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से हाथ से बने कागज के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? हाथ से बने कागजों के लिए प्रसिद्ध स्थान पूछे तो कौन सा है? जयपुर का स्थान है सांगानेर। क्या है? सांगानेर। चलिए नेक्स्ट, अगले प्रश्न की बात करते हैं, 15 नंबर प्रश्न, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में आती है? 15 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है दोस्तों गंगानगर में, 27 दिन यहाँ लगभग आंधियां चलती है। चलिए 16 नंबर प्रश्न, कौन सा नगर राजस्थान का कानपुर कहा जाता है? तो सब सही आंसर कोटा। क्या कहा जाता है? कोटा। राजस्थान में चित्र के लिए प्रसिद्ध है किशनगढ़ शैली, नाहद्वारा शैली, भीलवाड़ा और अजमेर। तो दोस्तों इसमें सभी है, चित्रकला से संबंधित है तो प्रसिद्ध ये सभी है, तो सही आंसर करिएगा उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, स्वतंत्र प्राप्ति के समय राजस्थान में सीमेंट के कितने कारखाने थे? ये आरएस के अंदर पूछा गया और पिछले जो अभी जो एग्जाम हुए थे एलडीसी के उसके अंदर भी पूछा गया था, जो विद्युत विभाग के एलडीसी के एग्जाम उनमें भी ये प्रश्न पूछा, तो उसमें कितना था? एक था। कितना था? एक कारखाना था जो स्थापित था सीमेंट का। पशु पक्षियों को महत्व देने के लिए किस स्कूल पेंटिंग का नाम है? पशु पक्षियों के लिए, अब दोस्तों पशु और पक्षी है तो आपको कहा जाना हड़ौती क्षेत्र, हड़ौती क्षेत्र में पूछे तो बूंदी, और महिलाओं का सौंदर्य पूछे तो आपको क्या करना किशनगढ़ अजमेर, और किसी भी बाह्य शैली का प्रभाव किसी के ऊपर नहीं बना तो आपको क्या करना जैसलमेर करना। वापिस देख लीजिए एक बार, पशु पक्षी पूछे तो आपको बूंदी करना है, बूंदी में हड़ौती स्कूल, हड़ौती स्कूल में बूंदी शैली, और कोटा पूछे कोटे में हाथी के ऊपर चढ़े हुए राजा रानिया सामंत शिकार का दृश्य, जैसलमेर किसी बाह्य का प्रभाव नहीं, मुगल शैली का प्रभाव नहीं, किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ा, केवल स्वतंत्र रूप से खुद का प्रभाव, किशनगढ़ नारी का सौंदर्य, किसके लिए? नारी बन चढ़ने के चित्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, गणगौर का किला किस जिले में स्थित है? 20 नंबर प्रश्न, सो ये मिस्टेक है, गणगौर नहीं, गागरोन का किला है, गागरोन,
राघरौन का किला कहाँ है? झालावाड़ के अंदर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। और राजस्थान का एकमात्र जो दुर्ग है वो जल दुर्ग है। गागरौन का दुर्ग एकमात्र क्या? जल दुर्ग है।